This Lallantop video is brought to you by Yakult. Yakult पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। राजस्थान के झुंझुनू से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक पर जासूसी करने और सेना से जुड़ी सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। गिरफ्तार युवक का नाम संदीप कुमार है। वो झुंझुनू में इंडियन गैस एजेंसी का एक संचालक बताया गया है। आज तक की खबर के मुताबिक महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया है कि आरोपी युवक ने राजस्थान के नरहड़ स्थित आर्मी कैंप के फोटोग्राफ्स और कुछ गोपनीय संवेदनशील जानकारियां जुटाई थीं। उनके मुताबिक आरोपी लगातार उसे निर्देश दे रहे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। ये साफ नहीं है कि ये हैंडलर्स पाकिस्तानी सेना या वहाँ की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी हैं या किसी आतंकी संगठन के सदस्य हैं। वही संदीप कुमार की बात करें तो उस पर आरोप है कि पैसों के लालच में उसने ये संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा की। इसी के बाद आरोपी को स्टेट इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस दक्षिणी कमान ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 सितंबर को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। समाचार एजेंसी ANI ने गुरुवार यानी कि 16 सितंबर को ये जानकारी दी है। जयपुर में संयुक्त पूछताछ केंद्र पर सभी एजेंसियों द्वारा पूछताछ करने पर 30 वर्षीय आरोपी संदीप कुमार ने बताया कि वे झुंझुनू जिले के नरहड़ का ही रहने वाला है। वहां आर्मी कैंप के सामने ही इंडियन गैस की एजेंसी है जिसका वो इंचार्ज है। गौरतलब है कि आरोपी की एजेंसी से ही आर्मी कैंप में गैस सप्लाई का काम होता है। खबर के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि जुलाई 2021 में पाकिस्तानी हैंडलिंग अफसर ने उससे संपर्क किया और आर्मी कैंप के फोटोग्राफ्स और कुछ गोपनीय सूचनाएं मांगी। इसके बदले उसे पैसों का लालच दिया गया। बताया गया है कि आरोपी ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंक डिटेल्स भी भेजी थी। इन सब बातों के मद्देनजर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी OSA 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम आपको बताते हैं कि OSA क्या है। ये एक एंटी-एस्पियोनाज यानी कि जासूसी के खिलाफ एक एक्ट है। जासूसी से लेकर राष्ट्रद्रोह तक की धाराएं इस कानून में रखी गई हैं। 2 अप्रैल 1923 से OSA अस्तित्व में है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रविरोधी नियत से जासूसी में संलिप्त पाया जाता है और उस पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस साबित हो जाता है तो 3 साल से लेकर 14 साल तक की सजा हो सकती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लनटॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?